नंबर 21 भी हम कर चुके हैं, उसमें हमें दिया हुआ है, एक एडिशनल चीज़ दी हुई है कि हमारे पास जो वो बैटरी है, एक बैटरी लगी हुई है सर्किट में जिसका वोल्टेज 12 वोल्ट है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 है और एक इनफाइनाइट रेजिस्टेंस दिया हुआ है। तो हमें इसमें करंट की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, आर इक्विवेलेंट। हम जानते हैं जब इस तरीके के सर्किट आते हैं, हम ऐसे दो क्वेश्चंस कर चुके हैं, तो इस तरीके के सर्किट आते हैं तो हम क्या मान लेते हैं, पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना मान लेते हैं, आर। और इसको हम पूरे आर को इतने के साथ कंबाइन करते हैं, मतलब इसको भी क्या मान लेते हैं, आर। तो हमारा रेजिस्टेंस क्या आ जाता है, 1 1 1 और आर। अब इन दोनों को हम जब कंबाइन करेंगे तो आर पी कितना आ जाएगा हमारा, 1/RP इक्वल टू 1/R+1/1। तो RP इक्वल टू R/R+1। जब इनको सीरीज के साथ कंबाइन करेंगे तो कितना आ जाएगा, आर इक्विवेलेंट इक्वल टू RP+2, दैट इज R/R+1+2। अब ये भी आर इक्विवेलेंट है और ये भी आर इक्विवेलेंट है, दोनों को एड इक्वल रख दीजिए तो क्या आ जाएगा, आर इक्वल टू R/R+1+2। इसको सॉल्व किया तो आंसर कितना आ गया हमारे पास, R+2R+2/R+1, दैट इज 3R+2/R+1। इसको ट्रैक मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए तो क्या जाएगा, R² + R इक्वल टू 3R+2 या R² - 2R - 2 = 0। आगे देखा तो हमने सॉल्व किया, -B + -√B² - 4AC/2AC, तो हमारी वैल्यू आ गई कितनी, R की वैल्यू आ गई 1 ± √3। माइनस लेंगे तो आंसर आएगा नेगेटिव, विच इज नॉट पॉसिबल, तो प्लस लिया तो हमारा आंसर कितना आ गया, 2.73 ओम। अब हमें सर्किट में दिया हुआ है इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम, वोल्ट दिया है 12 वोल्ट। सॉल्व कर दीजिए, I = V/R+R, सो दैट इज I = 3.72 एम्पीयर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 हमारा बेस है पोटेंशियोमीटर के। इसमें दिया हमारे पास एक सेल है, ड्राइवर सेल की वैल्यू दी है 2 वोल्ट, उस ड्राइवर सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस दिया 0.4, ड्राइवर मतलब प्राइमरी सेल में जो लगा होता है, और R दिया है 600 किलो ओम, ये सेकेंडरी सेल में दिया हुआ है, और E1 की वैल्यू, E2 की वैल्यू, L1 और L2, E2 हमें निकालना है। तो इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, हमें क्या देखेंगे, E1/E2 = L1/L2, तो हम E2 की वैल्यू निकाल लेंगे। अब इनने पूछा है कि हाई रेजिस्टेंस 600 जो वोल्ट है वो क्यों लगाया हुआ है, तो क्यों लगाया हुआ है, क्योंकि हाई रेजिस्टेंस क्या करता है, गैल्वेनोमीटर में करंट की वैल्यू को कम कर देता है। आप पूछ रहे हैं क्या ये आर बैलेंस पॉइंट को अफेक्ट करेगा, तो बिल्कुल नहीं करेगा। फिर पूछ रहे हैं क्या ये आर बैलेंस पॉइंट को अफेक्ट करेगा, तो बोलेंगे बिल्कुल नहीं करेगा, ठीक है। और पूछ रहे हैं अगर सी की वैल्यू ई की वैल्यू से कम होती तो क्या ये मेथड काम करेगी, तो नहीं। क्यों नहीं करेगी, क्योंकि कंडीशन ही क्या है, द सी शुड ऑलवेज ग्रेटर देन ई, ठीक है। एंड अगली बार भी उन्होंने पूछा हुआ है तो उसका भी आंसर आएगा नहीं, नॉट वर्क प्रॉपरली। आप क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में आपको मिल जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 भी पोटेंशियोमीटर के बेस पर ही बेस है। तो क्वेश्चन नंबर 23 में आपको एक सर्किट दिया हुआ है और उसमें आपको बोला गया है कि आपके पास R की वैल्यू दी है 10 ओम और L1 की वैल्यू दी है 58.3। अब अगर R1 की जगह हम एक X दूसरा इंटरनल रेजिस्टेंस लेते हैं X, तो हमारे पास L2 आता है 68.5। तो बताइए X की वैल्यू कितनी होगी। तो हम जानते हैं कि सेकेंडरी सर्किट में जो करंट आएगी वो कितनी आएगी, सेम ही आएगी। वो कैसे निकालेंगे हम, एक तो हमें निकालना नहीं है, बट हम निकालेंगे कैसे, इन दोनों को पैरेलल में रेजिस्टेंस निकाल लेंगे और टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा, और ये वोल्टेज दिया है तो करंट इक्वल टू टोटल EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो करंट क्या आएगी, आई तो जो करंट यहाँ जाएगी तो सेम होगी। तो हम जानते हैं कि ER मतलब इसके अक्रॉस रेजिस्टेंस जो होगा, वोल्टेज होगा, वो क्या होगा, E1 दैट इक्वल टू IR, E2 इक्वल टू IX। अब जानते हैं E1/E2 = L1/L2, सो अगेन IR/IX = L1/L2। I से I कैंसिल, तो R/X = L1/L2, तो X = R × L2/L1, सो दैट इज X = 11.75 ओम। अब पूछते हैं कि अगर हम इसको बैलेंस पॉइंट, अगर हमें इसमें पोटेंशियल को कम करना है तो कैसे करेंगे, तो इसमें हम क्या करेंगे, दोनों के अक्रॉस R को सीरीज में लगा लेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 के बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, जो भी हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 24 हमने अभी अभी किया हुआ था, इसमें हमारे पास
इसमें हमारे लिए हमें क्या निकालना है, इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है। आर दिया है 9.5 ओम, एल वन दिया है बिना आर के 76.3, एल टू दिया है 64.8 जब हम इसको यूज करते हैं। तो आर इक्वल टू क्या होता है, आर एल वन अपॉन एल टू माइनस वन, वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर कितना आ जाएगा 1.68 ओम। तो आप सारी न्यूमेरिकल पहले की फिर से देखिए, आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पल बन जाएंगे।